हेलो एवरीवन, कर्ता ने जब कर्म को करण से मिलाया, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध को बताया, अधिकरण में संबोधन है अरे यही कारक है सिखाया। बच्चों, आज हम संज्ञा के विकार कारक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप चित्र को देखिए, चित्र के साथ दिए गए वाक्य को पढ़िए। अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी, अक्षत ने मम्मी बताया, अक्षत फिल्म देखने कार गया, उसने फिल्म देखने टिकट खरीदा, वह टिकट घर हॉल में गया। मोगली जानवर दोस्त है, मोगली शेर की पीठ बैठा है, मोगली गिर गया। क्या आप इन वाक्यों का मतलब ठीक से समझ पा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि ये वाक्य स्पष्ट नहीं है। आइए इन्हीं वाक्यों को कुछ परिवर्तन कर दोबारा लिखा गया है, अब पढ़ते हैं। अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी, अक्षत ने मम्मी को बताया, अक्षत फिल्म देखने कार से गया, उसने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा, वह टिकट घर से हॉल में गया। मोगली जानवरों का दोस्त है, मोगली शेर की पीठ पर बैठा है, अरे मोगली गिर गया। ये वाक्य स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ शब्दों को जोड़ने के लिए हम ने, को, से, का, पर, का के लिए आदि का प्रयोग किया गया है। जो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे दादी पूजा फूल तोड़े, मैंने चम्मच खीर खाई। भाई, वाक्य समझ में अभी भी नहीं आ रहे हैं। सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इस वाक्य को इस रूप में पढ़ते हैं। दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, मैंने चम्मच से खीर खाई। ये शब्द इन वाक्यों में ने, के लिए, से लगने से वाक्य के अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। ये शब्द कारक चिन्ह हैं, क्योंकि ये शब्द संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अर्थात वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से जो संबंध बताता है, उसे ही कारक, उस शब्द को कारक कहते हैं। बच्चों, इन वाक्यों के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। बच्चों, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म, इसका चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, इसका है से, के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को, के लिए। पांचवा है अपादान, इसका चिन्ह है से, अलग होने का अर्थ में। छठा है संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, इसके चिन्ह है। सातवां है अधिकरण कारक, इसके चिन्ह है में, पर। आठवां है संबोधन कारक, इसके चिन्ह है हे, अरे। आइए पहला देखते हैं कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रवि ने खाना खाया, बच्चा दूध पीता है। खाना किसने खाया? रवि ने। दूध कौन पीता है? बच्चा। यानी रवि और बच्चा कर्ता कारक हैं। दूसरा है कर्म कारक। जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाती है, अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। खाना कौन बनाता है? माँ क्या बनाती है? खाना। अध्यापक किसको पढ़ाते हैं? छात्र को। यहाँ खाना और छात्र कर्म कारक हैं। अगला है करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी कलम से लिखते हैं, बच्चा गेंद से खेलता है। यहाँ पिताजी किससे लिखते हैं? कलम से। बच्चा किससे खेलता है? गेंद से। यहाँ कलम और गेंद करण कारक हैं और से उसका चिन्ह है। अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए कार्य किया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी, भाई ने बहन को उपहार दिया। साड़ी किसके लिए है? माँ के लिए है। भाई उपहार किसके लिए है? बहन के लिए है। यहाँ माँ और बहन संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप
जिससे अलग होने का बोध हो अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मेज से पुस्तक गिरी। कहाँ से पत्ता गिरा? पेड़ से। पुस्तक कहाँ से गिरी? मेज से। पेड़ और मेज से अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए यह अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे नंदिनी के पापा आए हैं, रमन की कमीज नीली है। किसके पापा आए हैं? नंदिनी के। किसकी कमीज नीली है? रमन की। यहाँ नंदिनी का पापा के साथ और रमन का कमीज के साथ संबंध बताया गया है, इसलिए यह संबंध कारक है। अगला है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, मेज पर कंप्यूटर रखा है। फल किस में रखे हैं? टोकरी में। कंप्यूटर कहाँ रखा है? मेज पर। इन वाक्यों में टोकरी में और मेज पर क्रिया के आधार हैं, अतः ये अधिकरण कारक हैं। अगला है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई मेरी बात सुनो। यहाँ भाई किसे पुकारा गया है? भाई को। अतः यह संबोधन कारक है, किसी को संबोधित किया जा रहा है बुला करके।